नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। खबर बिहार के कटिहार जिले से निकलकर सामने आ रही है, जहां कटिहार के सीमांचल में पहली बार अंजीर की खेती की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि कटिहार के सीमांचल में रजवाड़ा गांव जो है उसे सब्जी का हब भी कहा जाता है। वहां के किसान क्या कुछ अंजीर की खेती पर बोल रहे हैं, पहली बार यहां अंजीर की खेती हुई है इस पर उनका क्या कुछ कहना है, हम आपको उनकी पहले पूरी बातों को सुनाएंगे। अखिल भारतीय किसानों की भारतीय किसान संघ, जिसमें पूरे भारत के किसान वर्ष में दो बार जुटते हैं और कहां किसका खेती हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, और सभी कृषि के प्रमुख अलग अलग बने हुए हैं। जैसे खेती में बीज के लिए प्रमुख, फल के प्रमुख, सब्जी के प्रमुख, अंजीर की खेती तो अंजीर की खेती अपने मुजफ्फरपुर बगल में है, वहाँ पर एक किसान इसका टिशू कल्चर प्लांट बैठा है। तो एक किसान है मुकेश जी, जंदाहा वैशाली में, उन्होंने वहाँ से 4-5 पौधा लाया। लाने के बाद 8 महीने के बाद फल आया, तो हमको सितंबर की एक बैठक थी हम लोग छपरा में, जहाँ बताए कि अक्षय जी अंजीर लगाया, ऐसा ऐसा फल आया है और उसकी खासियत है, अंजीर के बारे में सब लोग जानते हैं। तो उसी समय हम भी मुजफ्फरपुर गए, वहाँ से 80 पौधा लाए, जो यहाँ 52 पौधा लगाए। कितना इलाका में हो रहा है, कितना कर रहा है? यह 8 कट्ठे 8 धुर में है 52 पौधा, जिसमें 4 पौधा हमारा, 48 पौधा भी जीवित है। शुरुआत की ठीक ठाक, शुरुआत ठीक है, सब पूरा इसका अच्छा शुरुआत है। पूर्णतः जैविक है, गौ आधारित जैविक, इसमें कहीं से किसी रासायनिक का प्रयोग नहीं होता है। और बढ़ाएंगे अभी, क्या सोच रहे हैं? हाँ, इसको अभी और लार्ज स्केल में हम बढ़ाएंगे, अपने पड़ोस के किसान जो जिसको जानेंगे समझेंगे वो भी लगाएंगे, क्योंकि अंजीर का अच्छा कीमत मिलता है। 83% इसमें मिठापन है और शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिकारक है, स्वास्थ्य के लिए, और इसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की बहुत अधिक क्षमता है। इसलिए इस अंजीर को कोरोना काल में बहुत लोगों ने खाया समझा, और यह ताज़ा मिलता नहीं है तो अलग, तो पैकिंग में आता है सूखा ड्राई, उसको फुला के खाते ऐसे खाते हैं, लेकिन यह ताज़ा खिलना खाने पर उसका और दुगना लाभ है। इस इलाके में सभी तरह की खेती होती है, सब्जी से लेके फल फूल सबका, अमरूद, आम, लीची। अच्छा, पहली बार अंजीर की खेती देख रहे हैं आप लोग, किस तरह से देख रहे हैं? अंजीर की तो ये पहली बार है, लेकिन अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छा है, फसल भी ठीक है, पेड़ भी सही है। अगर अच्छा रहेगा तो लगाएंगे। कटिहारा रजवाड़ा के इलाके में अक्सर खेती के लिए पूरे बिहार में खास पहचान है, खासकर सीमांचल के इलाके में रजवाड़ा गांव को सब्जी के हब के रूप में जाना जाता है। कोढ़ा विधानसभा के कटिहार पूर्णिया रोड पर बसे इस गांव में बड़ी आबादी खेती से जुड़ी हुई है, लेकिन अब ये किसान जो है अपनी खेती से अलग हटकर काम कर रहे हैं, कम मेहनत और अधिक मुनाफे के लिए नई खेती कर रहे हैं, इसके लिए दिशा में तकदीर आजमा रहे हैं। इसी को लेकर किसान के श्री से सम्मानित अक्षय कुमार ने अंजीर की खेती की है। लगभग 1 साल से भी कम समय पहले अंजीर की खेती के अच्छे परिणाम के सामने आने लगे हैं, जिसे किसान अक्षय कुमार के साथ साथ गांव के अन्य युवा किसान की बेहद उत्साहित और इसे आगे की खेती के इलाके को लेकर काम कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि अंजीर की खेती में पूरी तरह की जैविक खाद का इस्तेमाल किया गया है, ताकि जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बना रहे। वहीं आपको बताते चलें कि जहां तक अंजीर की खेती की बात करें तो अंजीर के बारे में लगभग सभी लोग अब परिचित हैं और इसकी बाजार में भी अच्छी जो है वो दाम मिलने की उम्मीद रहती है। तो जहां एक तरफ कटिहार के सीमांचल में ये लोग अंजीर की खेती कर रहे हैं और जैविक खाद से ही अंजीर की खेती की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।